नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर टू है, इसका क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर सकते हैं और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा तो जाके वीडियो को विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन टू क्या बोल रहा है, सर्वो मोटर टेक्स 20,000 पल्स पर रेवोल्यूशन, सर्वो मोटर शाफ्ट इज कनेक्ट विथ वाल स्क्रू थ्रू कपुलर, द पिच रेशियो ऑफ वाल स्क्रू इज 13.5 mm, 13.5 mm इसका वाल स्क्रू है। कैलकुलेट द पल्स पर mm आर रिक्वायर्ड पल्स फॉर 0.5 mm ट्रेवल, मीन्स 0.5 mm अगर ट्रेवल कराना है तो इसके लिए कितनी पल्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसका कैलकुलेशन करना है। तो सर्वो मोटर पर रेवोल्यूशन कितना है, 20,000 पल्स, मीन्स सर्वो मोटर एक चक्कर लगाने में कितना पल्स ले रहा होगा, 20,000। अगर सर्वो मोटर का शाफ्ट हमारा वाल स्क्रू से कनेक्ट है तो वाल स्क्रू, अगर सर्वो मोटर एक बार रोटेट होगा तो वाल स्क्रू भी कितनी बार रोटेट होगा, एक बार रोटेट होगा। तो अगर एक बार रोटेट होगा तो ये ऑब्जेक्ट हमारा 13.5 mm ट्रेवल कर जाएगा, चाहे आगे या फिर पीछे। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपने सर्वो मोटर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो अगर इतना है इस ये हमारा, तो 0.5 mm अगर आधा mm ट्रेवल कराना चाहता हूं तो कितना हमको पल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली जैसे क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व किया था उसी तरह क्वेश्चन नंबर टू, अब देखिए 20,000 पल्स पर रेवोल्यूशन है, मीन्स 20,000 पल्स पर रेवोल्यूशन, यही है ना, 20,000 पल्स, 20,000 पल्स देते तो एक चक्कर लगाता है, तो मींस एक रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 20,000 पल्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक रेवोल्यूशन, सॉरी एक रेवोल्यूशन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पल्स कितना होगा, 20,000 पल्स। एक रेवोल्यूशन में कितना पल्स की आवश्यकता पड़ी, 20,000। अब एक रेवोल्यूशन अगर ये हमारा चलता है सर्वो मोटर का शाफ्ट एक बार, मींस एक रेवोल्यूशन एक चक्कर रोटेट करता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कितना एमएम ट्रेवल कर सकता है, 13.5 mm। तो एक रेवोल्यूशन इक्वल टू लिख सकता हूं 13.5 mm इक्वल टू 20,000 पल्स। ठीक है, 20,000 पल्स अगर एक एमएम ट्रेवल कराना चाहता हूं तो 1 mm इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, 20,000 डिवाइड बाई 13.5 पल्स, इतना पल्स की जरूरत पड़ेगी 1 mm ट्रेवल करने के लिए। बट हमको तो 1 mm ट्रेवल कराना नहीं है, आधा एमएम का ट्रेवल कराना, तो अब क्या करूंगा मैं 1 mm ट्रेवल की वैल्यू निकाल के फिर उसमें 2 से डिवाइड करके मैं आधा एमएम ट्रेवल का पल्स निकाल सकता हूं। ये एमएम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मैं आपको जनरली एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, एमएम ज्यादा या कम बेस जो भी हो सकता है वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एमएम करना चाहता है। तो आप ये कैलकुलेशन बस समझिए, मींस ये रिक्वायर्ड पल्स की आवश्यकता यहां पर बता रहा है कि 1 mm ट्रेवल करने के लिए 1481 हमको 4.8 पल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये 1 mm ट्रेवल करने के लिए, बट हमारा क्वेश्चन कितना 0.5 mm के लिए बोल रहा है, मींस अगर 1 mm में इतनी पल्स की आवश्यकता पड़ती है तो आधा एमएम में कितनी पड़ेगी, डिवाइड बाई 2, मींस 0.5 mm ट्रेवल पल्स रिक्वायर्ड। ये कैलकुलेशन है, इजिली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि ये हमारा 1481.48 में डिवाइड बाई 2 740.74 पल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 0.5 mm अगर हमें ट्रेवल कराना चाहता हूं तो ये हमारा आंसर बनेगा, मीन्स 740.74 mm मीन्स पल्स की जरूरत पड़ेगी। बट ये पल्स हमारा फ्लोट है, इंटीजर में पल्स हमको चाहिए, तो हम सीधे सीधे 0.5 mm ट्रेवल कराने के लिए हमको 740 पल्स दे देंगे, मीन्स जो भी सर्वो का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसमें अगर 0.5 mm चलाना है तो वहां पे जो हमारी पोजीशन की वैल्यू देंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं, पोजीशन की वैल्यू देंगे, समझ रहे हैं ना आप, पोजीशन की वैल्यू देंगे ये 7.5 mm। तो इसके लिए PLSB आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इसके लिए PLSB और ZRN ये सब नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए DDR, VI, DRVA या PLSY इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं जिसमें पोजीशन दिया रहता है, उसी इंस्ट्रक्शन को आप यूज करेंगे। और इसका आप लेडर लॉजिक पे बेस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ पे यूज करना है हमको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।